कोरिया में जिला प्रशासन टीम के संग स्वास्थ्य विभाग रात दिन एक करके कोरोना संक्रमण के बचाव कार्य में लगे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में टीका के अफवाह ल लेके टीकाकरण करवाए में ज्यादा रुचि नहीं दिखावत है, जेकर चलत प्रशासन जन जागरूकता अभियान लगातार चलात है। जिला भर में तहसीलदार के गठित टीम अलग अलग गाँव में पहुँच के लोगों ला समझाइश देवत है कि कोरोना टीका जीवन रक्षक औषधि है, एमा कोनो भी प्रकार ले नुकसान नहीं है। कोरोना टीका ल लेके ग्रामीण क्षेत्र में अफवाह बगरे है, जेकर ले ग्रामीण अंचल में भ्रम के स्थिति बन गए है। जिला प्रशासन ह घर घर पहुंच के मिटाए के प्रयास करत है। एकर अलावा शहर बाजार चौक चौराहा में कोरोना चेकिंग अभियान चला के घर ले बाहर निकलैया मन के चेकिंग प्वाइंट लगा रोक रोक के कोरोना जाँच करवाए जाते। पॉजिटिव मिले में कोविड अस्पताल भेज के इलाज शुरू करे जावत है। ऐसा कारगर उपाय है जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इस महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण को 100% कराने के लिए आज हम ग्राम महोरा में आए हुए हैं, जहां 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको टीका लगना है। मुख्यतः ये देखा जा रहा है कि गांव में जो है दो तरह की भ्रांतियां हैं। पहला तो टीका लगाने की वजह से जो है बुखार, कमजोरी या मृत्यु जैसे चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, ये बहुत से लोगों में जो है यह अफवाह फैली हुई है। दूसरा यह है कि चूंकि वो अभी वर्तमान में स्वस्थ हैं, इस वजह से वो टीका लगवाने में घबरा रहे हैं। उनको यह लगता है कि टीका लगवाने के बाद उनमें कमजोरी या फिर बुखार जैसी समस्याएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, और चूंकि वो अभी स्वस्थ हैं। निर्देशानुसार निश्चित रूप से हम विभिन्न बाजारों में जाके लोगों का रेंडमली टेस्ट कर रहे हैं, ताकि मास में फैले हुए संक्रमण की स्थिति का वास्तविक आंकड़ा मिल सके। इसी तारतम्य में हमने कल बैकुंठपुर में किया था, और आज चर्चा में हम लोग पूरे हेल्थ की टीम, पुलिस विभाग की टीम और सीएमओ चर्चा सभी मिलके रेंडमली टेस्ट कर रहे हैं लोग आने जाने वालों का। साथ ही मार्केट में जो दूध व्यवसायी हैं और सब्जी व्यवसायी हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, ताकि चर्चा में संक्रमण की वास्तविक स्थिति का जानकारी हो सके। बेराय छोटकुन ब्रेक लेके ब्रेक के बाद फिर मिलबो, तब तक देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।